Hey guys, welcome back to Discovering Nearby. और आज मैं बात करने वाला हूँ जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ निकॉन D5600. और ये वन ऑफ़ द बेस्ट कैमरा है क्योंकि मैं इसे यूज़ करता हूँ. मैं 90% जो कंटेंट है चैनल पे वो सब इससे ही शूट हो रखा है. मेरे पास और कैमरे भी हैं सोनी वगैरह के, लेकिन मुझे इससे बहुत प्यार है. मुझे इससे क्यों प्यार है, मैं इसे आज भी क्यों यूज़ करता हूँ या मैं इसे क्यों पसंद करता हूँ शूट करना, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी थी 2020 में. और मैंने बताया था कि मैं 2020 में भी इसे क्यों यूज़ करता हूँ और क्यों रिकमेंड भी करता हूँ, तो वो वीडियो आप जरूर चेक कर लीजिए. बाकी मैंने इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह बताई हैं, इसकी सेटिंग्स बताई हैं, तो आप उसे जाके भी चेक कर सकते हैं. बहुत वीडियोज हैं इसकी रिगार्डिंग लेंसेज वगैरह सबकी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें चेक कर सकते हैं. मैं आज मेजरली बात करने वाला हूँ क्या इसे आप 2021 में आपको लेना चाहिए या नहीं. तो मैं बात करूंगा इसके फीचर्स के बारे में, मैं बात करूंगा इसके प्रोज के बारे में या इसके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, जो चीज़ें बुरे हैं उसके बारे में भी. तो मैं चाहूंगा कि आप एक कंप्लीट रिव्यू देखें एंड मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर दूंगा. बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप बहुत जल्दी में और जानना चाहते हैं कि 2021 में आपको लेना चाहिए या नहीं, तो उसका आंसर है अगर आप फोटोग्राफी के लिए इसे लेना चाहते हैं, अगर आप फोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, या आपको फोटोग्राफी में ही इंटरेस्टेड है, मतलब फोटोज़ के लिए मेनली आप कैमरा लेना चाहते हैं, तो गो फॉर इट. इस रेंज में इससे बढ़िया कैमरा आपको नहीं मिलेगा जो इतनी अच्छी क्वालिटी देता हो, इतनी अच्छी कलर साइंस देता हो और जिसके लेंसेज वगैरह भी इतने सस्ते हो. लेकिन अगर आप इसे वीडियोग्राफी के लिए लेना चाहते हैं, लाइक आपको कंटेंट बनाने का शौक है यूट्यूब के लिए और वैसे भी आप वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप अकेले है जो वीडियो शूट करते हैं और खुद को शूट करना चाहते हैं, तो इसमें वो बहुत तगड़ा इशू है, दैट इज ऑटो फोकस. इसका वीडियो में ऑटो फोकस बिल्कुल ही खराब है, तो शायद आप उसे जूझते रहे और आप अच्छे से वीडियो शूट ना कर पाए. बाकी इम्पॉसिबल नहीं है, मैंने जैसे कि बताया मैं 90% ऑफ जो मैं अपना 90% कंटेंट इससे शूट करता हूं. और अगर आपके पास एक एडिशनल आदमी है या आपके साथ कोई और भी है, तो आप बहुत आसानी से इसके कुछ फीचर्स यूज करके खुद को शूट कर सकते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है. तो ये थी एक समरी आपके लिए जिनके पास टाइम नहीं है और वो जानना चाहते हैं कि 2021 में आपको लेना चाहिए या नहीं. सो अगर आपने लेने का मन बना लिया है, तो मैं चाहूंगा कि आप जो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है उससे खरीदें, क्योंकि अगर आप उससे खरीदेंगे तो इस चैनल को थोड़ा सा फायदा होगा. तो जाइए, अगर आपने मन बना लिया है तो जाकर उस लिंक से इस कैमरे को परचेज कर लीजिए. बाकी लोगों के लिए अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टाइम स्टैम्प से मिल जाएगी, आप वहां जाके चेक कर लीजिए. लेकिन इसका कंप्लीट रिव्यू शुरू करते हैं अब विदाउट वेस्टिंग टाइम. बट एक थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, मेरा इंट्रो देख के आइए. Hey guys, I am संकेत कश्यप और आज हम बात करने जा रहे हैं निकॉन D5600 के बारे में, जो कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है जिससे मुझे प्यार है. जैसे कि मैंने बताया, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं कि मुझे इससे प्यार क्यों है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसके वीडियो सैंपल्स भी दिखाना चाहूँगा जो मैंने इसे शूट करे हैं, ताकि आपको थोड़ी जजमेंट हो जाए, और कुछ फोटोज के सैंपल्स भी दिखाऊंगा ताकि आप थोड़ा जज कर सकें कि इसकी क्वालिटी कैसी है.
आज मैं बात करूंगा कि 2021 में आप इसे लेना चाहिए या नहीं, लेकिन पहले इसके कुछ फीचर्स या इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जब कैमरे को देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये आजकल के जो मिररलेस आते हैं ये लगभग उन्हीं के साइज़ का है, मतलब DSLR होने के बावजूद ये उन्हीं साइज़ का है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको फुली आर्कुलेटिंग टच स्क्रीन मिल जाएगी, और मेरे हिसाब से ये 1 लाख के अंदर एक ही कैमरा है निकॉन का जिसके अंदर आपको टिल्ट स्क्रीन मिल जाएगी। सॉरी अगर कोई और कैमरा हो तो आप मेंशन कर दें कमेंट में, लेकिन बुरा मना माने। मैंने इस समय इस पर 35mm का लेंस लगा रखा है 1.8, और उसका रिव्यू भी मैं डाल चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लेंसेज की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, और ये मेरा फेवरेट लेंस है क्योंकि लो लाइट में बहुत अच्छा है और जो बोके इफेक्ट है, जो बैकग्राउंड ब्लर है, ये बहुत अच्छा देता है, तो लोगों को तो उस चीज़ से प्यार है ही। उसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर एक स्विच जिससे आप स्विच कर सकते हैं वीडियो मोड में, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ लाइव मोड में शूट करता है। आप इसमें देख के, व्यूफाइंडर में देख के वीडियो शूट नहीं कर सकते। ऑन ऑफ का स्विच आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डायल है जिससे आप शटर स्पीड और फंक्शन दबा के आप इसकी ISO चेंज कर सकते हैं। और ऊपर आपको मिल जाएगा मोड डायल जिसमें आप स्विच कर सकते हो डिफरेंट मोड्स के बीच में। इसके अंदर आपको फ्लैश भी मिल जाएगी, और ये फ्लैश काफ़ी हैंडी आती है कई बार जब आप फोटोज ले रहे होते हो। उसके बाद आपको यहाँ फ्रंट में देखने को मिल जाएंगे मेन्यू का बटन, इन्फो का बटन जिससे आप स्क्रीन पर इन्फो ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद फंक्शन बटन नीचे है, इधर ब्रश मोड का और टाइमर के बटन आपको बॉटम में मिल जाएगा। ऊपर आपको रिकॉर्डिंग का बटन मिल जाएगा, ऑन ऑफ स्विच मिल जाएगा, और साइड में आपको कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, नीचे बैटरी कंपार्टमेंट मिल जाएगा, HDMI केबल साइड में है, और इधरली साइड आपको और पोर्ट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप माइक वगैरह लगा सकते हैं, और इसमें USB जो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, चार्जिंग के लिए नहीं। कुछ एक अच्छी चीज़ है मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर आप इसे ट्राइपॉड पे लगा के रखेंगे तो विदाउट हैसल आप बैटरी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। आप इसके आराम से बैटरी चेंज कर सकते हैं ट्राइपॉड पे लगा के भी, क्योंकि आजकल कैमरों में, जैसे मेरे पास सोनी है तो उसमें मुझे हमेशा ट्राइपॉड को उतार के ही बैटरी चेंज करनी पड़ती है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें आप लगा के भी चेंज कर सकते हो, और साथ ही साथ इसका जो मेमोरी स्लॉट है वो बैटरी के साथ नहीं है, अलग है, तो ये मुझे बहुत साइड पर है, तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है। दूसरा, जो इसने ग्रिप प्रोवाइड करी है वो ग्रिप बहुत अच्छी है, आप आसानी से इसे पकड़ सकते हैं, और जो हाथ में पकड़ के फील है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसका। और आपको ऊपर एक व्यू फाइंडर भी देखने को मिल जाएगा, ये ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है। अब ये डिपेंड करता है आप कौन से आदमी हैं जिन्हें ऑप्टिकल पसंद है, कईयों को इलेक्ट्रॉनिक पसंद होता है, मुझे इतना खास फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा एक ऐप, मोबाइल ऐप जिसका नाम है SnapBridge, जिससे आप फोटोज़ ले सकते हैं और अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें आपको स्टीरियो माइक सिस्टम मिल जाएगा। स्टीरियो का जिन्हें मतलब नहीं पता, तो ये अगर आप हेडफोन्स लगाएंगे तो अगर कोई लेफ्ट से आवाज़ आ रही है तो आपको महसूस होगी लेफ्ट से ज़्यादा आ रही है, अगर राइट से आ रही है तो महसूस होगी राइट से ज़्यादा आ रही है। तो ये सब है इसके फीचर्स। अब मैंने ओवरऑल एक ब्रीफ समरी दे दी इस कैमरे के बारे में आपको। अब बात कर लेते हैं इस कैमरे की इसके अच्छी चीज़ें जो मुझे लगती है। बुराई करने से पहले थोड़ी अच्छाइयाँ कर ले, थोड़ा माहौल बन जाएगा इस कैमरे का। तो सबसे बड़ी अच्छाई जो मुझे लगती है, सबसे पहले कि इसे पकड़ के जो फील है, इसका डिज़ाइन अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया, DSLR होकर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, दैट इज़ वन ऑफ इट्स एडवांटेज। सेकेंड चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगती है, दैट इज़ इसके लेंसेज। इसके लेंसेज बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। अगर आप मिररलेस कैमरा लोगे तो आपको लेंसेज के लिए भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इसके लेंसेज इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ लेंसेज काफ़ी हैं। मेजरली जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो 3 लेंसेज हैं, व्लॉगिंग के लिए वाइड एंगल लेंस, एक जूम लेंस, और एक लो लाइट के लिए इसका 35mm 1.8। इनका मैं एक वीडियो सेपरेट बना चुका हूं, तो आप वो चेक कर लीजिए, तो वो आपकी पूरी किट कंप्लीट कर देंगे ऑलमोस्ट, और आप उससे हर तरह की फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले सकते हैं। सेकेंडली जो मुझे इसकी चीज़ पसंद है, दैट इज़ कलर साइंस। अब इसकी जो कलर साइंस है वो बहुत अच्छी है। मुझे जितने भी कैमरे यूज़ किए हैं, टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ, सोनी, कैनन, लोगों को कैनन की बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों निकॉन की ही कलर साइंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। और नेक्स्ट थिंग जो मुझे इसके अंदर अच्छी लगती है, इसके टिल्ट स्क्रीन। ये फुली टच स्क्रीन है, इसको आप लाइक बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, मेन्यू में नेविगेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और टच टू फोकस के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इसकी स्क्रीन की। और इसके अंदर आपको हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, और ऊपर हॉट शू है, तो दिस आल्सो वन ऑफ इट्स एडवांटेज। और एक और इसके अंदर जो बेनिफिट है, दैट इज़ इसके अंदर फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल है, जिससे आप बाद में कलर ग्रेड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, वरना ऑटो में भी ये बहुत अच्छे कलर्स देता है, आपको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी सारे हैं। इसका ऑटो फोकस वीडियो में बहुत बुरा है, तो अगर आप वीडियो के लिए से लेना चाह रहे हो तो मैं तो चाहूँगा कि आप अवॉइड ही करें। इसके अलावा आप कैनन या किसी और कैमरे में इन्वेस्ट करें ताकि आपको अच्छा ऑटो फोकस मिले, आप काफ़ी आसानी से वीडियो शूट कर सकें। सेकेंडली जो इसके अंदर डिसएडवांटेज है, दैट इज़ कि
इसके अंदर कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है। वैसे तो आप कोई भी कैमरा लेंगे इस रेंज में तो आपको उसके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी, तो ये इसका मैं इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं मानता। इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि इसमें आप सिर्फ फुल HD में शूट कर सकते हो, इसमें 4K का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये इसका एक और ड्रॉबैक है। और इसके साथ साथ इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें आप मैक्सिमम 60p तक शूट कर सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा स्लो मोशन भी इसके साथ शूट नहीं कर सकते, तो ये भी इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है। बाकी काम चलाओ स्लो मोशन ये दे देता है अगर आप अपने वीडियोस में डालना चाहें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्लो मोशन ये नहीं देता। और अगर आप उनमें से हैं जिन्हें छोटे कैमरे पसंद है तो उन्हें ये भी ड्रॉबैक लगेगा कि ये थोड़ा सा बड़ा है। और इसके अंदर वेदर सीलिंग भी नहीं है, लेकिन आप कोई भी कैमरा लेंगे इस रेंज में तो उसमें आपको वेदर सीलिंग नहीं मिलेगी, तो वो कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज एक ही है, दैट इज़ इसका ऑटो फोकस, जो वीडियो में बहुत ख़राब है, और वो बहुत एक मेजर चीज़ है अगर आप एक वीडियो शूटर हैं। तो ये सब थी इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ। जो ओके चीज़ें हैं इसकी, जो ना तो बुराई में काउंट करूँगा ना मैं अच्छे में काउंट करूँगा, दैट इज़ इसकी बैटरी लाइफ। इसकी बैटरी लाइफ डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप एक वीडियो शूटर हो तो आपके पास 2 से 3 बैटरी होना चाहिए अगर आपने थ्रू आउट द डे काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स लेने हैं। तो ये है इसका एक रिव्यू। अब 2021 में आपको लेना चाहिए नहीं, जैसे मैंने शुरू में बताया था, अगर आप फोटोग्राफर हो, आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो, तो इसके लिए जाइए, इसे पक्का खरीद लीजिए, ये बहुत बढ़िया आउटपुट देगा आपको, और आप एक बिगिनर हो। लेकिन अगर वीडियो शूटर हो तो जैसे मैंने बताया ऑटो फोकस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगती है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक टिप आपको दे सकता हूँ कि इसके अंदर टच टू फोकस है, तो अगर आप वीडियो शूट करते हैं और टच टू फोकस यूज़ करके बहुत अच्छे से वीडियो शूट कर सकते हैं। बाकी इसकी सिनेमैटिक सेटिंग्स ये सब मैंने शेयर कर दी हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट। और निकॉन की बाकी वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। बाकी मैं कैसे इससे स्टेबल फुटेज ले सकते हैं विदाउट यूजिंग गिम्बल वगैरह, मैं एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप इसकी सैम्पल फुटेज देखना चाहते हैं तो आप मेरे व्लॉग्स चेक कर सकते हैं, इतने सारे व्लॉग्स मैंने डाल रखे हैं मेरे उदयपुर की सीरीज़ का, जिसे मैंने पूरी इस पर शूट करी है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। और बाकी निकॉन की वीडियोज़ देखने के लिए, नाइकॉन की वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हर वीक एक निकॉन की वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, ताकि आप अच्छे से अपने कैमरे को यूज़ कर सके। अगर आपके पास D5600 है तो पक्का इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ आने वाली हैं। तो चॉइस मैंने आपको बता दी है, बाकी आपने डिसाइड करना है। अगर आप इस कैमरे को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से लेंगे तो इस चैनल को थोड़ी मदद होगी, तो मैं रिकमेंड करता हूँ उस लिंक से लें। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।